शैतान जिन है और आज से पैदा किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको आदम अलैहि सलाम की तकदीर में किसे किया जगह जगह कुरान मजीद में इसकी तफसील अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि हमने इंसान को जमीन से पैदा किया है। हजरत आदम अलैहि सलाम को मिट्टी से क्यों पैदा किया है तो इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है। मिट्टी के अंदर आप देखेंगे एक सिफत खास होती है वो है पुर्तगारी और आवाज और उसी के का खासा इंसान के साथ तकलीज मामला आप देखते हैं आसमान अरबा है सितारे सैारे वहां से आप जमीन पर आए पहाड़ पौधे और कई मकूफात और सब मामला जाकर खत्म हो जाता है जमीन मिट्टी पर। तो मिट्टी के अंदर क्या है तबासो पुतबारी और आग में क्या है सकसी है और ऊपर दौड़ती है और मिट्टी नीचे भी पड़ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला को यह बात पसंद आई कि खलीफा वो हो जो मुतवाज़ा है उसके अंदर तवाज़ो और सादगी हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका पुतला तैयार फरमाया तो शैतान की जो असद की आग थी वो और भड़कने लगी। जन्नत में वो पुतला रखा गया तो ये उधर निकल आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को देखा तो आपके जो है पुतले में दाखिल हो गया अंदर से घुमा के बाहर निकला और मुतकब्बिराना तकरीर की कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई खास चीज नौजवान तकलीफ नहीं होने क्योंकि वो हजरत आदम अलैहि सलाम को हयात नहीं बख्शी गई सिर्फ पाक का पुतला था उनका कोई खास चीज नहीं कोई बाहर नजर नहीं आ रहा दिल की तरफ कोई बात नजर आ रही तो उसका उसने भी इतरा क्योंकि दिल को अल्लाह ताला से खास ताल्लुक होता है। नफ्स इंसान का ख्वाहिशात की तरफ ले जाता है और दिल का ताल्लुक अगर रूह से सही हो जाए तो बंदा खुदा की तरफ रुझू हो जाता है। तब करते हैं दिल और दिल क्या है दिल का काम पलटना इधर उधर पलटना है नफ्स की तरफ पलट जाए तो इंसान जानवरों से भी गया उठा हो जाए और अगर रूह की तरफ पलट जाए तो मलाइका से भी उसका मर्तबा बढ़ जाए। तो ये तालीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है उस दिल को नफसानियत से बेहतर रूहानियत की तरफ ले जाने का जरिया रूह की तरफ जब दिल का असर चला जाएगा मामला और दिल जो है रूह का असर जब कबूल करेगा तो उसका मरतबा अल्लाह तबारक व तआला मलाइका से बुलंद करेगा। इसीलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में कोशिका लफड़ा है जब वो समझ जाता है तो सारा जिस्म समझ जाता है जब वो बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है और अला और ये कल फरमाया सकता है कलदार हो जाओ तो वो दिल है कोशिका लफड़ा से बुरा दिल के अंदर जो पाई जाने वाली कहते हैं अशिया का जो इलाज इंसान करता है चीजों की हकीकतों को जो इंसान जानता और समझता है वो दिल ही का कमाल है। आंख तो सिर्फ देखती है आंख का काम देखना है इससे ज्यादा क्या करेगी कान सिर्फ सुनता है जुबान गुफ्तगू करती है जिल्द आपकी महसूस करती है लेकिन देखने के बाद सुनने के बाद कुछ चीज चखने के बाद या गुफ्तगू करने के बाद जो मामला आप अक्स करते हैं जश करते हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं ये सारा कमाल तो दिल का है। तो इंसान की असल तो दिल है इसलिए जितनी तालीमात दीन की होती है वो कल्ब की सलाह के लिए होती है क्योंकि इंसान का जब कल्ब समझ जाता है तो उसके आमाल खुद को नहीं समझ आता है। इंसान के अंदर से जब बुरी खसरतें निकल जाती है तो उसके आजा अपने रब की नाफरमानी नहीं करते दिल के कब्जे में तमाम आजा है जिनके अख्तियार में सारे जिस्म की सल्तनत है जब वो समझ जाएगा तो रियाया खुद को नहीं समझ जाएगी जब वो बिगड़ जाएगा तो रियाया बिगड़ जाएगी। उसकी मिसाल ऐसी कोई बादशाह दीनदार हो मुत्तकी परहेजगार हो ऐसा मामला तो दुनिया में आज देखने नहीं आ रहा इसलिए हमें मिसाल को नहीं समझ सकते लेकिन साबित में ऐसा होता था कि अच्छे बादशाह भी होते थे बुरे बादशाह भी होते आज का जमाना ऐसा है कि बुरे ही बुरे अच्छे भी होंगे अल्लाह के बंदे लेकिन वैसे लोग इकतदार पर डर सके ये मुमकिन नहीं है। वैसे आदमी को फौरी जो है दुनिया में जो रासिब या दुनिया में जो लोग गुंडागर्दी हुकूमतों के बारे में करते हैं उनको हटा देंगे
नेकी पर अगर वो हो तो अपने शख्सी तौर पर नेक बने रह सकते हैं, लेकिन नेकी को मुसलत कर सके लोगों पर, नेकी को रायज कर सके, ये मुमकिन नहीं है आपके तौर पर, क्योंकि बुराई का कोई बाला है। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की तालीमात को असर रखा है कि अगर कोई साफ दिल के साथ, अच्छी नीयत के साथ उसको सुने तो जरूर लोगों की जिंदगी में इंकलाब पैदा हो जाता है, तब्दीली बात हो जाती है, पता चला जाता है। उसकी मिसाल कैसी है? बादशाह दिल की मिसाल बादशाह। बादशाह अगर कोई नेक होता है तो जब वो नेक होगा तो चाहेगा कि नेकी आओ, तो वो रियायत को भी नेकी की तरफ लाएगा, ऐसा माहौल पैदा करेगा, ऐसे जो है उसूल और जाब्ता बनाएगा कि लोग नेकी के रास्ते पर चले, आराम कामों को बंद करेगा, जिना को, शराब को, इंसाफ करेगा, जुल्म ज़ियादत नहीं होने देगा, अच्छाई की राह पर खुद चलेगा, रियायत को भी चलाएगा, क्योंकि वो जानता है कि नेकी की राह पर चलने वाला, खैर को चलने वाला जन्नत में जाता है, और हम उससे राजी हो जाते हैं, अल्लाह हम उससे राजी हो जाते हैं, ये उस बात की कोशिश करेगा कि अपनी रियायत को उस राह पर चले, और बंद होगा तो उसको क्या फिक्र होगी, जहां में जाए शराबखोरी आम होगी, जिना आम होगा, बेजाई भी पकड़ी आम होगी, ना इंसाफी होगी, जुल्म होगा, खून खराबा होगा, बदमनी होगी, ये सारा कुछ आज माहौल नहीं है दुनिया में, उसकी वजह क्या है? दुनिया में ऐसे जो है वाली सल्तनत या बादशाह या सलाती नहीं है जो अदल इंसाफ करे, जो नेकी की राह पर लोगों को चलाए। इंसान की तबीयतें आसानी से नेकी की तरह माया नहीं होती, इसलिए दीन में हमारे नाफरमानियों पर सजाएं रखी गई है, कत्ल पर, शराबखोरी पर, जिना पर सजाएं क्यों है? सिर्फ बाद व नसीहत कर देने से हर इंसान नेकी की राह की तरफ नहीं आता, जो पाकीज़ा रूहें होती हैं वो नेकी की बात को सुनकर कबूल करती हैं, लेकिन दुनिया में हर कोई ऐसी नहीं होती, अक्सरियत लोगों की ऐसी होती है, सब कुछ होती है, चाहते हैं कि वो दुनियादारी माध्यम परस्ती के जो है गाँव में फंसे रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अहकाम को नाफिज करना पड़ता है। मसलन किसी आदमी के चावल अच्छे होते हैं, एक बच्चा दीनदार नमाजी होता है, एक सरकश होता है, एक जो है बहुत ज्यादा नेकोकार होता है, कोई कम नेकोकार होता है, ऐसे मुख्तलिफ मिसालें, ये घर की मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे ही सारे दुनिया में जो लोग फंसते हैं वो हर घर को ना कोई हर घर से ताल्लुक रखता है, मुख्तलिफ मिसालें इंसान की। तो हम देखते हैं कि जो नेक है उसके पीछे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो नेकी के रास्ते पर नहीं चलता उसको कम ही करते हैं, डांटते हैं, सख्ती करते हैं, नेकी की राजी पर नानी को करते हैं कि हमारा घर पर अख्तियार चलता है, वैसे ही बादशाह का सल्तनत पर अख्तियार चलता है। तो जो नेक होगा उसकी नीयत भी रवैयत भी नेक होगी। तो दीन आपके दिल को जो बादशाह है जिस्म का नेक बनाना चाहता है कि जब वो नेक हो जाएगा तो आपके आजम खुद भी नेक हो जाएंगे, अल्लाह का नाफरमानी नहीं करेंगे, अहकाम खुदा रसूल की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तो इसलिए दीन की तालीमात का जो है जो मरकज और महत्व होता है वो दिल होता है। तो दिल की तरफ कुछ बात है उसने मुझे खराब किया, बाहर निकलने के बाद हसारत से हजरत आदम अलैहि सलाम के पुत्रों पर फूक दिया, तो वो फूक जो है जाकर अब जहां हमारी मम्मी का मकाम है वहां गिरा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ शैतान की फूक बड़ी मिट्टी से उलमा करके कुत्ते को बड़ा बनाया, इसीलिए कुत्ते के अंदर आप देखो इंसान की मिट्टी की तासीर की वजह से इंसान से मोहब्बत होती है, और शैतान के भूख की तासीर की वजह से चीज में फाड़ने की उसके अंदर आदत होती है, दरिंदगी होती है। फिर मामला यहां भी खत्म नहीं हुआ, अब शैतान की रजालत और मरवूनियत को जाहिर होना था, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान हुआ, वही कुलना अल मलाइका तसजुदू लि आदम, जब हमने हुक्म किया फरिश्तों को कि आदम अलैहि सलाम को सजदा करो, फसजदू बस सारों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। फरिश्तों को यह बात बता दी गई थी कि हमारे बंदों में से एक बंदा होगा जिस कौन कराता है कि नवाजी से करेंगे लेकिन हमारे हुक्म को नहीं मानेगा, तो फरिश्ते हमेशा उस पर लानत किया करते थे कि उन बंदे पर। अब जाके उनको पता चला कि वो बला उनके बीच में था, न सिर्फ बीच में था बल्कि उनका मौलिम होकर बैठा था, अब इनकार कर दिया, बस तक तकबर किया, कान नहीं करते हैं वो खाली कार्य होने से उसका कुफर सो गया जाहिर, इनकार करने का मान था उसके अंदर था। दोस्तों मैं ये वाकया सीरत के अनुमान के तहत ऐसे ही बयान कर रहा हूं,
इस वास्ते बयान कर रहा हूं कि शैतान के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना लकुम अदुव्वुन मुबीन, तुम्हारा खुला दुश्मन है, खुला मुखालिफ है। वो आदमी जब तक दुश्मन के मुताबिक उसके पसमंजर से मुताबिक वाकिफ नहीं होगा, उससे बचाव कैसे मुमकिन। हमारी दुनिया में किसी से मुखालिफत हो जाती है तो हम दुश्मन के अहवाल से बाखबर रहते हैं कि कहीं हम पर हावी ना हो जाए, उसकी ताकत कितनी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किससे इसके ताल्लुक है, सारी बातों की हम खबर रखते हैं। और जरूरी है इंसान के लिए अकलमंद होता है वो आदमी जो अपने दुश्मन से बेखबर नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अरे इंसानों तुमको बेवजह अपने हसद पक्ष की वजह से दूसरे इंसानों से दुश्मनी करते हो रखते हो, तुम्हारे हाथों में दुश्मन नहीं है, तुम्हारा बड़ा दुश्मन तो शैतान है, लेकिन कभी उसकी खबर भी नहीं करते हो कि वो तुम्हारे मुताबिक क्या क्या प्लान ना करता है। किस तरह तुमको अपने दामे फरेब में धोखे के खंधे में खींचता है, कैसे तुमको जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी कर ले जाता है। ये क्यों? इसलिए कि हजरत आदम अलैहि सलाम से उसको दुख था, उसको हसद था, उसको कीना था। हजरत आदम अलैहि सलाम के साथ जो उसने सलूक किया कि अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि सजदा करो, अब ये सजदा हजरत आदम को क्यों कराया गया, इस पर उलमा बहस करते हैं। सजदा ताज़ीमी था वो, मगर उनको ताज़ीम उनकी जो करवाई गई वजह क्या चीज थी, हमें उनकी बदनसीबगी और बुजुर्गी तो जाहिर हो ही नहीं थी। दुनिया में आते उनकी खसलतें जाहिर होती, उसके बाद सजदा कराया जाता तो और बात होती, लेकिन यहाँ तकलीफ के साथ ही सजदा करा दिया गया। तो उलमा कहते हैं वो इसलिए कि हजरत आदम के जाहिर को नहीं बल्कि हजरत आदम के अंदर जो नूर मुहम्मद ही रखा गया था उसको सजदा कराया गया। क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो उनकी तकलीफ से कब्ल उनकी रूह को हुक्म हुआ कि हजरत आदम के पुतले में चली जा, तो रूह एक लतीफ से जाने तैयार नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आदम की पेशानी में रख दिया, और नूर रूह से भी ज्यादा लतीफ होता है, तो रूह फरिश्ता होकर हजरत आदम के पुतले में दाखिल हुई। जैसे ही हजरत आदम के पुतले में दाखिल हुए हजरत आदम को जिंदगी अस्सी हो गई, आगे बोली जन्नत के मनाजिर देखे, वहां से जमीन को देखा, सितारे सैयारों से इस कायनात को आरास्ता और बारास्ता देखा, तो उस नूर मुहम्मदी अला साहिब सलाम को सलाम की वजह से हजरत आदम अलैहि सलाम को बहुत सजदा किया फरिश्ता। तो शैतान को जो है सराफा गुमराही है, तो वो हिदायत और गुमराही एक क्या कैसे हो सकते हैं, वो कब मुतारफ करेगा नूर की, वो तो सराफा जुल्मत ही जुल्मत है, जहां आता आता है वहां बात नहीं हो सकता, जहां नूर होता है वहां जो है जुल्मत नहीं हो सकती। तो ये सराफा जुल्मत था, वो सराफा नूर 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 के, इसलिए वो कभी मुतारफ नहीं कर सकता, सजदा नहीं किया, झुका नहीं। तो इस वाक्य से दोस्तों जो बातें हमको मालूम हुई उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि बदगुमानी शैतानी सिफत है। रोजमर्रा की जिंदगी के मामला में हम देखते हैं रिश्ते नातों में, दोस्तानों में, ताल्लुकात में, मामला में हमारी तबीयतें जो है तहकीक ही नहीं है, सतही है। कोई जो है किसी भी बात के ऊपर किसी इंसान के मुताबिक हमें जो है नजरिया कायम कर लेते, कोई एक वाक्य छोटा मोटा हो जाता है, हम समझते हैं कि कुल्ली तौर पर यह सहाब हो रही है, यह बात गलत। इंसान को चाहिए कि किसी शख्स के बारे में कोई नजरिया कायम करने से पहले गौर करे। हमारा दीन हमको उसी बात का हुक्म देता है, और ही किसी से बदगुमान ना हो जाए। अगर कोई उक्का दुक्का बात किसी से ऐसी जाहिर की हो जो अच्छी नहीं है और आपकी नजर में वो बुरी है, तो सिर्फ एक ही बात किसी के अंदर बुरी हो जाने से कुल्ली तौर पर कोई इंसान बुरा नहीं होता। अल्लाह तबारक को दाना इंसान के अंदर अच्छाइयां भी रखी हैं, बुराइयां भी रखी हैं, वजूद भी रखे हैं, अच्छी खसरतें भी रखी हैं। अगर किसी में कोई नस ऐब और बुराई है भी, तो क्या सिर्फ नस और ऐब बुराई उसी में है, हमें भी होती है। लेकिन इंसान की फितरत क्या है, अपने आप को तो वो हीरो समझता है और सारे लोग उसको अपने मुखालिफ और अपना नजर आते, इसकी वजह से क्या होता है ये बदगुमानियों की वजह से